बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। परिवहन मंत्री सभी माँ को आज तोहफा देंगे, जो माएँ हैं उनको तोहफा मिलेगा। अशोक कटारिया करेंगे शिशु देखभाल कक्ष का उद्घाटन, तो शिशु देखभाल कक्ष का उद्घाटन करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया है शिशु देखभाल कक्ष और इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो एक तोहफा राहुल श्रीवास्तव इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, जाहिर सी बात है शिशु कक्ष का आज परिवहन मंत्री उद्घाटन करेंगे, माओ को एक तोहफा मिलने जा रहा है, क्या कुछ खुशी देखने को मिल रही है इसको लेकर? देखिए निश्चित तौर पर कैसरबाग में इसकी शुरुआत की जा रही है। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया इसका उद्घाटन करेंगे। उन महिलाओं को तोहफा दी जा रही है जिन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जिनको दिक्कत होती है सफर के दौरान स्तनपान कराने के लिए, उनको लेकर ये सौगात दी जा रही है। एक बड़ी सौगात है महिलाओं को लेकर। हर बस स्टेशन पर इसकी सुविधा की जाएगी। परिवहन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, उनके साथ प्रमुख सचिव परिवहन अरविंद कुमार रहेंगे, साथ ही साथ MD राजशेखर भी मौजूद रहेंगे। महिलाओं को एक बड़ी सौगात आज परिवहन की तरफ से दी जा रही थी। जी, कब तक उद्घाटन हो जाएगा शिशु देखभाल कक्ष का? जी, 1 बजे का समय रखा गया है। 1 बजे कैसरबाग जो बस अड्डा है जहाँ से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बसें जाती हैं, पहला स्थान उसको चयनित किया गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर यात्रियों की संख्या होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसरबाग बस अड्डा चुना गया है। 1 बजे का समय रखा गया है जब इसका उद्घाटन किया जाएगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर माओ को एक सौगात मिलने जा रही है और उसको लेकर एक खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई तरीके का की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है माओ को सफर के दौरान। तो इसको देखते हुए शिशु कक्ष का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे प्रमुख सचिव परिवहन और MD भी राजशेखर भी इस दौरान शामिल रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं।